नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटिक पर। आज मैं आपको सिखाऊंगी सूट के साथ सूट का नाप लेके कैसे कटिंग करते हैं, और आज मैं आपको एक नई बात सिखाऊंगी कमीज कटिंग में, बैक वाले हिस्से में हम प्लेटें कैसे डालें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नाप लेंगे। ये हमारे पास नाप के लिए कमीज आया हुआ है। सबसे पहले नापेंगे हम कमीज की लेंथ। ऐसे हम कमीज को पकड़ेंगे, नीचे से लेके यहाँ शोल्डर तक, जो हमारी ये शोल्डर की सिलाई है यहाँ तक हम इसको नापेंगे। ये देखिए, ये है 42.5 इंच की लेंथ है। अब हम इसकी चेस्ट चाहे तो हम सीधे के सीधे नाप सकते हैं, नहीं तो हम कमीज को पहले उल्टा करेंगे। उल्टा करने से हमारी जो सिलाई है, दोनों सिलाइयों से सिलाई का नाप लेंगे। ये हमने कमीज को उल्टा कर लिया है। ये यहां जो हमारी आर्म होल की सिलाई है, यहां से यहां तक हम इसको नापेंगे, 19 इंच की है। अब हम कमर को नापेंगे। कमर है हमारी 16.5 इंच। अब इप को नापेंगे। इप है हमारी 20.5 इंच। घेर है 21 इंच। अब हम बाजू की लंबाई नापेंगे। बाजू की लंबाई है हमारी 17 इंच। ये हमारा गर्मियों का है, ये सर्दियों का है, तो ये हम बाजू का नाप जो अगली ने बताया है हम उसी हिसाब से करेंगे। गला हम चाहे तो नाप सकते हैं, वरना ये गला 6 इंच का है। हम ऐसे कैसे ऐसे करके हम गले को नापते हैं। ऐसे आता 7 इंच का, और ऐसे नापेंगे। तो ये है हमारा सिलाई से लेके यहां तक गड़ा आएगा हमारा 6 इंच का। चलिए अब इसकी कटिंग करते हैं। ये प्रिंटेड सूट है, नीचे बॉर्डर दिया हुआ है, गले पे ऊपर पट्टी दी हुई है। ये पट्टी उतरने वाली नहीं है, ये इसके साथ अटैच है, प्रिंट के साथ की हुई है। कमीज कटिंग में सबसे पहले हम ये जो गले के बीच में पट्टी दी हुई है, इसका हम सेंटर पॉइंट लेंगे। यहां से हम इसको पकड़ेंगे। सबसे पहले हम कमीज को ऐसे बिछा लेंगे, कमीज के कपड़े को सारी सड़बटे निकाल लेंगे, कमीज में कहीं कायण नहीं आने देंगे। अब हम इसकी लेंथ नापेंगे। लेंथ थी हमारी 42.5 इंच तैयार, तो यहां हम 43 इंच पर निशान लगाएंगे। अब लेंगे हम तीरा, तीरा लेंगे हम 7 इंच। सात इंच हम मुड्ढे का निशान लगाएंगे।
यहाँ 7 इंच पर हम कमर का निशान लगाएंगे और 14 इंच पर हम इप करेंगे। ऐसे हम कमर की और इप की एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमने चेस्ट नापी थी, चेस्ट थी हमारी 18 इंच। तो यहाँ 9 इंच पर हम निशान लगाएंगे। कमर थी हमारी 16.5 इंच। इप थी 20 इंच। घेर था हमारा 21 इंच। अब ये जो हमने निशान लगाए हैं उन निशानों को आपस में मिला लेंगे, चेस्ट के निशान से कमर के निशान को और कमर के निशान से इप के निशान को। ये 7 इंच का आप लेके अब मुड्ढे की गोलाई करेंगे। दो दो इंच कपड़ा में एक्स्ट्रा लेंगे। हाफ इंच हम यहां से तीरे की थोड़ी सी कटिंग करेंगे। तीरे को हम बिल्कुल सीधा नहीं लेंगे, यहाँ से हाफ इंच कटिंग करते हुए ऐसे टेढ़ा लेंगे। कमीज की कटिंग हम अपने शरीर के हिसाब से ही करते हैं। तो ये हमारे कटिंग के, कमीज कटिंग के पूरे निशान तैयार लग गए हैं। अब जहां हमने ये निशान लगाए हैं बिल्कुल इन निशानों से हम इसकी कटिंग करेंगे। अब करेंगे हम बैक वाले हिस्से की कटिंग। फ्रंट वाले हिस्से को बैक वाले हिस्से के ऊपर रखेंगे। बॉर्डर के साथ नीचे से बॉर्डर को मिला लेंगे। यहाँ हमारी ये फोल्ड की पट्टी अलग से है बैक वाले हिस्से की, इसके हमें अटैच करनी पड़ेगी क्योंकि ये हमारा कपड़ा कम है। बैक वाले हिस्से में कोई भी बदलाव हमें नहीं करना होता, इसमें हमें ये करना होता कि जो हमारा ये तीरा है इससे हम बैक वाले हिस्से का फ्रंट वाले हिस्से से 1 इंच बढ़ा लेंगे।
ये बड़ा इसलिए लेते हैं कि हमारा गला पीछे की तरफ ना जाए। बाकी कमीज की कटिंग हम सेम करेंगे। अब करेंगे हम फ्रंट हिस्से की आर्म होल की कटिंग, आगे वाले हिस्से की कटिंग। या जहां से हमने फ्रंट वाले हिस्से का या हम मुड्ढे का बीच लिया था, जहां से हमने मुड्ढे की गोलाई करनी शुरू की थी, वहीं पे हम इंची टेप की नोक को रख के और पौना इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ तीरे से रख के, तीरे के कॉर्नर से रख के ऐसे धीरे धीरे गोलाई करते हुए ऐसे गोलाई देंगे। ये हो जाएगी हमारी फ्रंट हिस्से की आर्म होल की कटिंग। ये होगी हमारी फ्रंट हिस्से की आर्म होल की कटिंग। ये गले के लिए हम छोटा सा कट लगा लेंगे, सेंटर के लिए यहाँ निशान देंगे। फ्रंट हिस्से का हमारा सारा काम हो गया है। अब करेंगे हम बैक वाले हिस्से में। सबसे पहले हम लगाएंगे गले का निशान। गला कितना लेना हमें, गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच, लंबाई लेंगे 5 इंच। अब मैं बताऊंगी आपको सबसे जरूरी बात, जो हमारे पास कई बार हमें ये दिक्कत आती है कि हमारा आगे से तो सूट की फिटिंग बहुत अच्छी आती है और बैक से हमारा कमीज मतलब उठा रहता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पीछे वाले हिस्से में हम प्लेटें डालेंगे। प्लेटें कितने इंच पे डालेंगे हम, यहाँ से 12 इंच पर तीरे पे निशान लगा रख के, इंची टेप रख के, और यहाँ से 12 इंच पर हम निशान लगाएंगे। और ये जो हमने गले इसका मतलब कमीज का बीच है, ये जो हमारा सेंटर है, यहाँ जो हमारा बंद हिस्सा है, यहाँ से हम इंची टेप रख के 3.5 इंच पर हम प्लेट का निशान लगाएंगे। 3.5 इंच पर, ये अगर आप मेरे हिसाब से ऐसे निशान लगाओगे प्लेट का तो आपकी बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। यहाँ लगाएंगे और प्लेट की लंबाई हम कितनी करेंगे, 7 इंच। तो इस हिसाब से हम बैक वाली प्लेट का निशान लगाएंगे, इसी तरह पलट के हम पीछे का की तरफ लेंगे निशान को। कई क्या करते हैं, ये प्लेट 8 इंच की डालते हैं, ये प्लेट 8 इंच की नहीं डलती, ये प्लेट 7 इंच की डलती है। 8 इंच की अगर हम ये प्लेट डालेंगे तो ये प्लेट हमारी हिप तक आएगी, जो बिल्कुल गंदी लगेगी। हमारी फिटिंग यहाँ तक ही होती है, तो हम यहाँ ऊपर से 12 इंच पे और हम इसकी लंबाई करेंगे प्लेट की 7 इंच की, तो हम ऐसे, और यहाँ से जो चौड़ाई लेंगे हम ये लेंगे 3.5 इंच की, इससे हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आती है और कमीज हमारा पीछे से उठता नहीं है। तो ये होगी हमारी कमीज की दोनों हिस्सों की कटिंग। अब निकालेंगे हम बाजू। तो हमारा ये बॉर्डर दिया हुआ है, दोनों बाजू हम बॉर्डर की ही निकालेंगे।
एक बात जो हम बैक वाले हिस्से से निकालेंगे और एक बात जो हम फ्रंट वाले हिस्से से निकालेंगे। इसकी चौड़ाई से हमारा मुड्डा पूरा नहीं होगा, इसमें हम एक मानी डालेंगे। तो सबसे पहले हम बाजू की लंबाई लेते हैं, बाजू की लंबाई तैयार रखनी है हमें 20 इंच। तो 20 इंच हम कपड़ा लेंगे, पहले इसको अलग निकाल लेंगे, फिर इसी तरह हम दूसरी बाजू का कपड़ा निकाल लेंगे अलग से। आगे से बाजू की मोरी करेंगे हम 4 इंच, 1.5 इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा लेंगे। मुड्डा तैयार रखना हमें 9.5 इंच। पहले हम यहां तक निशान लगाएंगे जहां तक हमारी रेब बनती है। अब हम यहां से यहां तक के लिए मानी निकालेंगे। पहले हम ये नाप लेते हैं हमें मानी कितनी चाहिए। मानी चाहिए हमें 12 इंच की, तो हमें 13 इंच का कपड़ा लेना पड़ेगा क्योंकि 1 इंच हम आगे से नापेंगे। तो पहले मैं ये इतना कपड़ा निकाल लेती हूँ मानी के लिए। हमें दोनों बाजू की मानी चाहिए। ये इस तरह से हम कपड़े को रख लेंगे। अब लगाएंगे हम मुड्डे का निशान, बाजू के मुड्डे का निशान 9.5 इंच। और अब इसको जो हमने ये नीचे से जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था वहां पे रखना है इंची टेप को, और यहां तक हम रेब का निशान लगाएंगे ऐसे। और इसकी अब कटिंग कर लेंगे। अब करेंगे हम मुड्डे की गोलाई की कटिंग। 3 इंच पर हम नीचे निशान लगाएंगे गोलाई का, यहाँ यहाँ ऊपर रखेंगे हम चौक को, और यहां से धीरे धीरे बाजू की ऐसे गोलाई देंगे। ये होगी हमारी एक बाजू की कटिंग। अब इसी तरह से हम दूसरी बाजू के ऊपर रख के इस बाजू को इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा बहुत ही इजी तरीका है कमीज कटिंग का। और ये बैक में प्लेट डालने का हमें ध्यान रखना है, इससे हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो नमस्कार दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई पर्सन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब